स्टूडेंट अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए अन एकेडमी लाया है इंडिया लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं टेस्ट देकर। रजिस्टर फॉर कॉम्बोट 2021 के लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। टेस्ट का डेट है 25 अप्रैल, याद रहे ये क्लास 6, 9, 10 और 12 के लिए है। आपको कूपन कोड PADHAI पढ़ाई 10 लगाना होगा और फ्री में आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा टेस्ट का। अगर आप तैयारी करते हैं तो टेस्ट देने से आपको एनालिसिस कर पाइएगा कि आपका तैयारी कैसा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और आपका रैंक भी निर्धारित होता है। और इसमें आप रैंक वाइज अगर लाते हैं, आपका जैसे जितना रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइज मिलेगा। देख सकते हैं रैंक 1, 2, 3 लाने वालों को कम्प्लीटली अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन 1 साल तक फ्री में मिलेगा। रैंक 4 to 10 को 75% ऑफ मिलेगा अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। वही रैंक 11 to 50 को आपका 50% ऑफ मिलेगा। 51 to 300 को 25% ऑफ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अन एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके कॉम्बेट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा PADHAI पढ़ाई 10 और फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 के पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, सत्र 17-20 के पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, 19-22 के पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, या 20-23 न्यू एडमिशन के पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, या इंटर पास हुए हैं और आगे चल के 21-24 सत्र में BA BSc BCom करना चाहते हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से, वैसे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक VKSC परीक्षार्थी के पास वीडियो पहुँचे। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा छात्रों का आवाज़ है। देखिए, जो भी अपडेट रहता है आपको घर बैठे हम लोग दे देते हैं। हम लोग का काम अपडेट देना है, छात्रों का सेवा करना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर सर्च कीजिए VKSU आरा ऑफिशियल, लगभग आपको 19,000 छात्र मिलेंगे। वहाँ पर जुड़ जाइए। एक एक कॉलेज का सूचना वहाँ पर डाला जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से पेज को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो देखिए, VKSU के कॉलेज में कितना सीट है 21-24 में एडमिशन लेने के लिए, जो इस बार इंटर पास किए हैं, कितना सीट है इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और नामांकन लेते समय क्या सतर्कता बरतना है ये भी बताएंगे। स्नातक पार्ट 1, 2, 3 छात्रों के लिए बहुत जरूरी सूचना है जो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटर पास छात्रों के लिए कि इस बार नामांकन के लिए कितना कॉलेज में आपको कितना सीट है और कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूजी एडमिशन की तैयारी शुरू। जो BA BSc BCom रहता है उसको यूजी कहते हैं और MA MSc MCom को PG कहते हैं। तो यूजी एडमिशन का तैयारी शुरू हो गया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक पार्ट 1 सत्र 21-24 में दाखिले के लिए कवायद तेज कर दी है। छात्र कल्याण अध्यक्ष कार्यालय एडमिशन के लिए कॉलेजों का लिस्ट तैयार करने में जुटा है। इस कड़ी में संबंधन शाखा से विश्वविद्यालय अंतर्गत भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिले तो सभी जिला के कॉलेज से पूरा डिटेल्स मांगा गया है कि हम पूरा सीट का चार्ट तैयार कर लें, क्योंकि अब जल्द आपका एडमिशन के लिए पोर्टल को VKSU खोलेगा, मध्य मई तक खोल दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कोई भी छोटे भाई बहन इस बार इंटर पास किए हैं, कोई जानकार आपके इंटर पास किए हैं तो बता दीजिएगा। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा चैनल के बारे में जो भी अपडेट रहेगा, पल पल का अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा छात्रों का आवाज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका संबंध कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, कितना सीट है, पूरा विवरण मांगा गया है। मतलब अब एडमिशन का सुगबुगाहट ये लोग जल्द शुरू करेंगे। और आपको बता दें, लगभग देखा जाए तो 1,50,000 आवेदन पिछले साल आया था, इस बार भी लगभग इतना या इससे ज़्यादा भी रह सकता है। लेकिन आपको बता दें, लगभग पिछले साल 85,000 सीट पर नामांकन हुआ था, लेकिन इस बार लगभग देखा जाए तो 71,000 से 72,000 सीट पर ही नामांकन लेगा VKSU। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। एडमिशन से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आएगा एक बच्चे का पूरा डिटेल्स में एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भर के दिखा देंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है बड़ा सूचना जो स्नातक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के छात्रों के लिए है। देख सकते हैं यहाँ
भी के एस यू मार्कशीट के लिए भटक रहे हैं विद्यार्थी, अभी तक आपका 17-20 का पार्ट टू और 18-21 का पार्ट वन प्री सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के अलावा विभिन्न वोकेशनल कोर्स का विद्यार्थियों का अभी तक मार्कशीट नहीं जारी किया गया है। वाह रे भी के एस यू, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि एक एक अधिकारी के पास वीडियो पहुँचे। और इट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय रिक्वेस्ट कर रहा है, सर मार्कशीट जारी कर दीजिए, सभी विश्वविद्यालय मार्कशीट इतना जल्दी जनरेट कर लेते हैं। आपका सारा आज के रेट में आपका अपना कंप्यूटर सेंटर है, आपका अपना एजेंसी है, तब आपको मार्कशीट जारी करने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? छात्रों का आप मार्कशीट जारी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा सवाल है विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद करने को उठी आवाज़। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय छात्रों से अपील करता है, जो भी आपका अपडेट रहेगा यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, पल पल का नोटिस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ जाइए। भिक्की एस यू आरा ऑफिशियल, लगभग 19,000 छात्र जुड़े हैं वहाँ पर। हर एक कॉलेज का सूचना हम लोग डालते हैं और विश्वविद्यालय से अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दिया जाता है, तो आप कहीं नहीं निकलिए। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय रिक्वेस्ट करता है, कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, अगर बहुत ज़रूरी काम है या कोई आपका काम है, अगर आप चाह रहे हैं कि एक सप्ताह दो सप्ताह में करा लेंगे, तो आपसे देखिए बहुत बड़ा सूचना है कि क्योंकि देखिए कोरोना संक्रमण के चलते टीचर लोग कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद करने का मांग उठाने लगे हैं। तो देखिए क्या है आवश्यक सूचना, क्योंकि देखिए आप कॉलेज में मान लीजिएगा 1 बजे काम ही नहीं होगा। कॉलेज में मान लीजिए आपका काम है कुछ दिन का, आप भोजपुर के दूसरे जिले के छात्र हैं, सोच रहे हैं कि चलिए एक सप्ताह में जाकर काम करा लेंगे, कॉलेज तो खुल ही रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को शेयर कर दीजिए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड के छात्रों के लिए। देखिए साफ लिखता है आवश्यक सूचना भिक्केसी द्वारा, कॉलेज यूनिवर्सिटी संबंधित जो भी कार्य है जितना जल्द हो सके पूरा कर लीजिए, नहीं तो कभी भी कोविड-19 के कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बंद हो सकता है। उसके बाद कोई भी कार्य 15/5/2021 तक नहीं होगा। सभी कॉलेज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल रहा है। तो आप देखिए जो भी काम है जितना जल्दी आप अपना काम करा लीजिए, निष्पादन करा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका कॉलेज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे देश में 2.5 लाख के बाद कल 3,10,000 केस देखने को मिला है। बिहार में भी संक्रमण दिन प्रतिदिन 2-3 हज़ार बढ़ रहा है। इससे पहले 10,000, कल 12,000 केस निकला है, आज हो सके तो और निकलेगा। तो ऐसे ही आपका अगर चलता रहे तो विश्वविद्यालय कॉलेज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके जो भी आपका कार्य है 2-3 दिन में करा लीजिए, क्योंकि 15/5/2021 तक फिर आपका काम नहीं होगा। आई होप पूरा डिटेल समझ गया होंगे, जो भी डाउट है आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए हैं। पार्ट टू के देखिए, पार्ट टू के जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मेरा लेट फाइन 200 दिखा रहा है, तो वो टेक्निकल फॉल्ट है। ऐसे जो 31 तारीख के बाद फॉर्म भरे उनका ही दिखा रहा है, अगर आप पहले भर दिए आपका दिखा रहा है तो टेक्निकल फॉल्ट है। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप कॉलेज के विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।